नमस्कार, राम राम सा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सेवनियाला गांव की, जो बाड़मेर जिले में पड़ता है और बायतू के पास गांव है। वहां पर आप देखिए, थोड़ी देर में एक बारात निकलने वाली है और बारात से पहले ट्रैक्टरों को सजाया जा रहा है, एक जगह लाइनिंग में खड़ा करवाया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में इन ट्रैक्टरों से एक बारात निकलने वाली है जो बाड़मेर के बोड़वा गाँव जाएगी। आप देखिए कि पहली बार करीब 51 ट्रैक्टर, ये कह रहे हैं कि 51 ट्रैक्टर बुलाए गए हैं और बारात सिर्फ ट्रैक्टरों में जाएगी। सबसे आगे जो ट्रैक्टर है उस पर दूल्हा बैठेगा, दूल्हा खुद इस ट्रैक्टर को चलाएगा और दूल्हे को ट्रैक्टर की पहचान सबसे अलग इसलिए की गई है कि इस ट्रैक्टर के ऊपर सज्जा नहीं है। बाकी जितने भी ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर सज्जा लगाया गया है और दूल्हे का एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर होगा जिसके ऊपर सज्जा नहीं लगाया गया और दूल्हा इसी ट्रैक्टर को चलाएगा। अब बारात थोड़ी देर में निकलने वाली है, दूल्हे के भाई इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजू राम। अच्छा राजू राम जी, आपके छोटे भाई की शादी है। हाँ। तो आज किस प्रकार का ये ट्रैक्टरों का हुजूम है और कब बारात कितनी देर में निकलेगी और क्या सी बारात है? ये सब हमारे भाइयों के ट्रैक्टर। हाँ। उसने बोला कि ट्रैक्टर लेने चल देंगे। हाँ। तो कोई बींद की इच्छा अभी ट्रैक्टर माते आला। अच्छा, तो 51 ट्रैक्टर है, अलग अलग जगह लगा थोड़ा हैंग भाई, एक ही जगह का ट्रैक्टर है। कट जाए बारात बोड़वा जाए तो हैंग बींद जोनी भी हैंग तैयार है, टका टके सब तैयार। तो आप देखो, ये दूल्हे के भाई है और उनका कहना है की थोड़ी देर में बारात निकलेगी और ये जो ट्रैक्टर है सबसे आगे वाला जिसके ऊपर सज्जा नहीं है। देखिए, खास बात ये है की बाकी वाले जितने भी ट्रैक्टर है सबके ऊपर सजे हैं और दूल्हे राजा के लिए अलग ट्रैक्टर मंगवाया गया है जिसके ऊपर सज्जा नहीं है। दूल्हे राजा यहाँ से ट्रैक्टर चलाएंगे, दूल्हे राजा आ रहे हैं, जिन भाई साहब से बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सत्ताराम है। सत्ताराम जी, किस प्रकार का माहौल गांव में ट्रैक्टरों से बारात निकल रही है? ट्रैक्टरों का तो ये बारात पुराना रीति रिवाज से जा रही है। पहले जो बलमोट गाड़ों को जा रही थी, अब ट्रैक्टरों पर जा रही है। सारे के सारे आप लोग किसान है, दूल्हे राजा क्या करते हैं? किसान है, सब किसान ही है। सब किसान है और किसान होने का एक ये परिचय दे रहे हैं कि देखिए हम किसान है और हमारे किसानों की परंपरा है कि हम ट्रैक्टर। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? बुरा राम। अच्छा बुरा राम जी, ट्रैक्टरों से बारात आज से पहले कभी देखी आपने? आज 10-15 साल पहले देखी। पहला देखी थी? बिल्कुल। आप देखिए कि बारात रवाना होने वाली है और दूल्हे राजा सज धज कर तैयार होकर आ गए हैं। हम दूल्हे राजा से भी बात करेंगे, दूल्हे के साथ में उनके मित्र भी हैं, सब जो बाराती हैं वो भी तैयार हैं और दूल्हे राजा से हम लोग बात करेंगे। दूल्हे राजा सज धज कर तैयार होकर ट्रैक्टर पर बैठकर अपने ससुराल जाएंगे दुल्हनिया को लेने। दूल्हे राजा, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम। बारात ट्रैक्टरों पर जा रही है, किसकी इच्छा थी कि बारात ट्रैक्टरों पर जाएं? सभी की इच्छा थी। अच्छा, आप किसान परिवार से आते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई हम लोग किसान हैं और हम लोग हमेशा किसानों का हमारा परिचय देने की कोशिश करेंगे कि किसान देश के किसान ही होते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पुरानी रीति रिवाज को, संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश, बींद राजा तैयार होकर आ गए हैं। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करना राम बेनीवाल। करना राम जी, आप कहाँ से हो? शेवनियाला से। अच्छा, कितनी उम्र है करना राम जी आपकी? मेरी उम्र 50 ईयर है। 50 ईयर है। अच्छा, 50 साल की उम्र में कभी आपने देखा इस प्रकार की बारात? जो ऐसी नहीं देखी, देखी तो बहुत सारी, ऐसे नहीं देखी यानी ट्रैक्टर की। पहले ऊँटों पे जाती थी, कतार जाती थी, अब ट्रैक्टरों की कतार से जाती है। तो कितना क्या संदेश देने की कोशिश किसान कर रहे हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसान की जो है परंपरा है चलती आ रही है, वो आगे चलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल। और कौन बताएंगे? अच्छा, आपका क्या नाम है? शेर सिंह चौधरी। शेर सिंह जी चौधरी। अच्छा, क्या करते हैं आप शेर सिंह जी? मैं बस खेती करते हैं। सब लोग किसान, हमने जिसको भी पूछा सब लोग किसान हैं, खेती करते हैं, सब किसान मजदूर लोग ही बसते हैं। अच्छा, तो आज ट्रैक्टरों से बारात, अनोखा आइडिया आप लोगों का, कहाँ से दिमाग में आया और कितनी खुशी? पूर्वजों का पहले जो चल रहा था नी, उसी परंपरा के अनुसार हम एक बार दोबारा बारात ट्रैक्टर पे ले गए। अच्छा, हुजूम उमड़ा है लोगों का देखने के लिए भी, बाराती सब उत्सुक हैं कि कब बारात रवानी हुई ट्रैक्टरों वाली। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक हर्षोल्लास के साथ, बहुत शानदार प्रोग्राम। निश्चित रूप से हर्षोल्लास के साथ ट्रैक्टरों वाली बारात निकलने वाली है। ट्रैक्टर तैयार है, दूल्हे राजा भी तैयार है और अब तैयारी बाकी है तो बारात रवाना होने की और दुल्हनिया को घर लाने की है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पूरे देश तक ही फैलना चाहिए कि देखिए पश्चिमी राजस्थान के किसान अपना एक परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसान और किसान हमेशा से ही ट्रैक्टरों में ही जाते हैं, ट्रैक्टरों में ही आते हैं। ये गांव बाड़मेर जिले के शेवनियाला का वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। एक छोटा सा देखिए बाराती सज धज कर तैयार है, चश्मा लगा रखा है। क्या नाम है बेटा तेरा? जोगाराम। देखिए आप, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगला वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो बारात यहाँ से रवाना होगी।